भोपाल में नगरी पुलिस क्षेत्र में जो घटनाक्रम हुआ था जिसमें एक गार्ड की हत्या की गई थी, पुलिस उस प्रकरण में आरोपी को तलाश कर रही थी। सागर पुलिस से जानकारी प्राप्त हुई है कि उस प्रकरण से संबंधित जो आरोपी है उसके पास से एक मोबाइल फ़ोन जब्त हुआ है। जो मृतक गार्ड है भोपाल नगरी क्षेत्र का, उसका है मोबाइल, और उसके संबंध में एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है जिसमें ये घटनाक्रम दिखा है। उसको देखकर जो आरोपी सागर पुलिस ने पकड़ा है वही आरोपी इस प्रकरण में भी है जो भोपाल नगरी पुलिस क्षेत्र में हुआ है। प्रकरण में आगे की कार्रवाई के लिए जो संबंधित थाना क्षेत्र हैं वो सागर पुलिस से संपर्क में है। सर, भोपाल में जो हत्या की गई थी वो किस प्रकार हुई थी और कब हुई थी? ये घटनाक्रम में एक मार्बल से हमला करके, टुकड़े से हमला करके गार्ड की हत्या की गई थी, और ये घटनाक्रम भी एक दिन पूर्व का ही है। और इस घटनाक्रम के पश्चात पुलिस इसके जो साक्ष्य हैं, सीसीटीवी हैं, उसको भी लगातार देख रही थी, और इसी दौरान ये सूचना प्राप्त हुई है कि जो सागर में भी अन्य घटनाक्रम इसी प्रकार के हुए हैं, और सागर पुलिस द्वारा जो आरोपी पकड़ा गया है उसके पास से कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जैसे मोबाइल फ़ोन जो है जो मृतक का है, जिससे ये घटनाक्रम भी उसके द्वारा किया गया ये जानकारी प्राप्त हो रही है। आगे की विवेचना और जांच के लिए जो भोपाल नगरी पुलिस क्षेत्र का थाना है वो संबंधित पुलिस संपर्क में है।